वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि मिश्रा ब्लॉग। सो गाइज, आज एक चैलेंज मनु ने लिया है जिसमें कि वो अपना काम करने वाली है। बहुत दिनों से वो मुझे बोल रही थी कि मुझे आपका मेकअप करना है, तो मैंने बोला चलो आज मैंने अलाउ कर दिया कि चलो कर लो, क्योंकि बहुत दिनों से बिल्कुल भूले जा रही थी। तो कभी कभी बच्चों की भी बात मान लेनी चाहिए। क्या पता मैं मम्मी को अप्सरा बना दूं, कुछ लोग मम्मी को पेंसिल बोल रहे थे, अप्सरा पेंसिल। हो आपका नाम पेंसिल है क्या? क्योंकि आप अप्सरा जैसी दिखती हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। हम मैं भी देखूंगी और आप सब भी देखेंगे कि मनु कैसा मेरा मेकअप करती है। अच्छा, सो आज एक चैलेंज ही है मनु के लिए, तो अब मनु स्टार्ट करने वाली है। इस वीडियो का टाइटल है माय डॉटर डज माय मेकअप चैलेंज। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको प्रोडक्ट्स भी बताती रहूंगी। ये क्यों लगा रही है? मॉइस्चराइजिंग। अरे कोई और मॉइस्चराइजर? नो, फर्स्ट हम लोग लगा रहे हैं हिमालय का बेबी क्रीम, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और मैं पूरी गर्मी इसी को लगाती हूँ, क्योंकि ये नॉन स्टिकी होता है। नॉन स्टिकी से तो पसीने आते बेटा। मैं आज सुबह लगा ली थी, मैं सुबह आज गई थी ना, मतलब सब्जी में ब्रश करके आई थी, तो मैंने बोला कुछ मॉइस्चराइजर लगा लूं और ये लगा ली। बाप रे, इतना पसीना आया ना मुझे। तो मुझे गाइस प्रूव्ड कि स्टिकी है, इससे भी आता है, बट चलो ठीक है। नहीं कोई भी लगाना ही नहीं, नहीं कोई भी मॉइस्चराइजर लगाओ, थोड़ा सा मेरे को है, मम्मी की स्किन ऑयली है, तुरंत पसीना आने लगा। सो गाइस हमारे पास बहुत सारी चीज आज हम लोग करने वाले हैं। मैंने ये आज हम लोग करने वाले हैं, ये जॉय का फ्रूट मॉइस्चराइजर। आज हम मैम करेंगे मम्मी की स्मोकी आईज एंड न्यूड लिपस्टिक मेकअप लुक, जो मम्मी ने कभी नहीं किया होगा। स्मोकी आईज ना बना देना, नहीं तो फिर मैं चाइनीज दिखने लग। स्मोकी आईज यानी वो सिंपल सा मेकअप करना, बिल्कुल सिंपल, नहीं भैया ओवर ना कर देना, तो मैं कार्टून दिखने लगू। मैं वैसे भी ओवर नहीं करती, ओवर नहीं करूंगी। चलो चलो चालू करो, ऐसे बैठो पहले साहब। फर्स्ट टाइम मम्मी के चेहरे पे कलाकृति करने का मौका। कलाकृति चलिएगा आप सब। कहाँ है मेरी वो फाउंडेशन? गाइस सबसे पहले हम लोग लगा रहे हैं इनसाइट मेकअप एसेंशियल SPF 15 UVA UVA UVB ल्यूमिनस फिनिश लिक्विड फाउंडेशन। ये मेरे को क्यों लग रहा एक ही बार आगे, जो कि मैं फाउंडेशन कभी यूज ही नहीं करती। ये वाला नहीं करते, अच्छा नहीं है ये वाला। मैं ओनली ओरिफ्लेम का करती हूँ, जो कि अभी खत्म है। परफेक्टर नहीं, ओरिफ्लेम का मैं फाउंडेशन भी यूज करती थी बट अभी नहीं है, तो अभी मैं परफेक्टर वर्सेस का यूज कर रही हूँ। सबसे पहले गाइस हम आईज लुक में जाएंगे, इसलिए आईज में सबसे पहले लगा रहे हैं, क्योंकि आईज फिर वो हो जाती है ना, वो हो जाती है, हो जाती है। I don't know बहुत जल्दी भी वो होता है सूखती। I think इसमें तुम थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिला लेना। मामा के सारे डार्क सर्कल्स जो है ना, हम उनको मिटा देंगे। पता नहीं क्या क्या मिटा देंगे, मम्मा ही गायब हो जाएगी के बाद। मम्मा नहीं गायब होगी, मम्मा की पर्सनैलिटी। सो गाइस फाइनली फाउंडेशन लग चुका है, अब इसके बाद क्या अप्लाई करोगी देखते हैं। सो गाइस इसके बाद तो हम लोग मैं पहले ये कर रही हूँ कि मैं आई शेडो वगैरह करूंगा, आई मेकअप करूँ। चलिए पहले आई का कंप्लीट करते हैं, आई के लिए लुक के करते हैं, पहले फेस का कंप्लीट करते हैं, पहले आई का करते हैं। इसको भी दे दो, ये भी मेकअप करेगा। मुझे क्या पता, जल्दी करो। इस कपड़े के हिसाब से पर्पल एंड सिल्वर और वाइट। लेट्स फर्स्ट गाइस
इसको खोलेंगे। ये है आई शेडो पैलेट, ये मेरा पैलेट है एंड दिस इज द ब्रश व्हिच आई एम यूजिंग। सबसे पहले तो हम लोग अप्लाई करते हैं मम्मा की आंखों में ब्राउन, नो पर्पल, ज्यादा ही हो गया। नहीं खोल रहा, आईज क्लोज मैम, ऐसे मतलब आईज को थोड़ा टाइट रखो। अभी हल्का सा लगा है पर्पल आई शेडो, क्या चाहिए? देखो एक बार खोलो वो शर्ट, एक तो धब्बा पड़ गया पर्पल कलर, उसको हम फिक्स करेंगे। अरे तुम कैसे पकड़ती हो मेरा सिर कि मेरा हेयर बैंड वैंड सब निकल आता है। हो गया थोड़ा सा ना यहाँ पे धब्बा टाइप हो गया, उसको हमको ना करेक्ट करना पड़ेगा। बस बेटा कितना क्रीम लगाओ करेक्ट करो। सो गाइस मैं कंसीलर को यूज कर रही हूँ उसको करेक्ट करने के लिए, जो कि मम्मा के शेड का है, तो ना मतलब ब्लेंड हो जाता है, उतना ज्यादा मतलब धब्बा टाइप नहीं दिखता है आपके स्किन में, तो हो चुका है। देन हाँ कौन सा ब्रश? आई शेडो ब्रश। ये क्या है? ये वाला आई शेडो ब्रश जो है उसी में मैम को एकदम अच्छा प्रोफेशनल मेकअप भी चाहिए और फिर आइटम भी नहीं है मैम के पास ना, तो मेकअप करने आप आई हैं तो आप ढूंढ के लेके आते। दीजिए अपनी आईज। सो गाइस देखिए मेरा फाइनल लुक जो कि मनु ने क्रिएट किया है, कितनी सुंदर लागे लागना। सो जस्ट ये एक था प्रैंक जो कि मनु क्रिएट कर रही थी, मुझे ऐसा कुछ कराना नहीं था मनु, ऐसा करने वाली थी एग्जाम के टाइम पे। भाई कौन करते है? 2 मिनट का लेपअप होती था ये, दो मिनट का लेपअप होती था क्योंकि अभी चल रहे हैं मनु के एग्जाम, तो वैसे मनु को मैं अलाउ नहीं करती, नहीं उसके ऊपर सब नहीं, ऑलरेडी वो सूख गया है पूरा। सो अब इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और आप लोग बताइएगा कि मनु का किया हुआ मेकअप कितना, पता नहीं क्या बना दिया भाई। सो लीजिए मिलिए मेरे मेकअप आर्टिस्ट से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस वाले मेकअप। आप की जवान क्यों लड़खड़ा रही है बच्चे से? बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस मेकअप के लिए, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मेरा भाई भी मेकअप करता है, ये देखिए फुल पार्टिसिपेशन चल रहा है। सो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ एंड, वैसे तो मनु ने कार्टून बना के रख दिया मुझे, सो जैसा भी आपको लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैसा लगा मनु का मेकअप। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।